बच्चों का मानसिक विकास। हम ज्यादातर बच्चों के शारीरिक विकास की चिंता तो करते हैं, लेकिन उनके मानसिक विकास की ओर हमारा ध्यान कम जाता है। जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है। हाँ डॉक्टर दीदी, हम तो यही सोचते हैं कि जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तब उसके मस्तिष्क का विकास होता है और धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाता है। यहाँ पर हम गलती करते हैं कविता, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भ धारण के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और 2 वर्ष की आयु तक सबसे ज्यादा और तीव्र गति से होता है। इसलिए इन्हें हम जीवन के बहुमूल्य 1000 दिन भी मानते हैं। डॉक्टर दीदी, ऐसी क्या खास बात है इन शुरू के 1000 दिनों में? देखो कविता, वैसे तो हमारे मस्तिष्क का विकास हमेशा ही होता रहता है, लेकिन आओ इसको विस्तार से समझते हैं। गर्भ धारण के 5वें महीने में माँ के पेट में बच्चे का मस्तिष्क एक राजमा के दाने के बराबर हो जाता है और जन्म के समय यानी 9 महीने पर शिशु का मस्तिष्क एक अखरोट जैसा दिखता है और तीव्र गति से बढ़ रहा होता है। अब यूं समझो कि इन दिनों में आगे के जीवन के लिए मस्तिष्क की नींव डलती है। शिशु के देखने, बोलने, चलने, याद करने, सीखने, जल्दी बात समझने की क्षमता, एकाग्रता, ध्यान अवधि, ये सब इसी समय पर तीव्र गति से विकसित हो रहे होते हैं। शिशु के मस्तिष्क में ऐसी तरंगे और आपसी कनेक्शन या मस्तिष्क के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ संबंध विकसित हो रहा होता है, जिससे बच्चे को आगे चलकर किसी बात को जल्दी समझने में आसानी होती है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। एक और खास बात है इन 1000 दिनों में कि इस समय में बच्चे के मस्तिष्क के ढलने और परिवर्तन की क्षमता भी सबसे ज्यादा इन 1000 दिनों में विकसित होती है। इसका क्या मतलब है डॉक्टर दीदी? तो देखो, जैसे कच्ची मिट्टी को जब कुम्हार तराशता है तब वो शुरू में कच्ची मिट्टी को अपने अनुसार ढाल कर आकार देता है और जब उसकी रूपरेखा निखरने लगती है उसके बाद उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही शुरू के 1000 दिनों में कई ऐसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क के विकास होते हैं जो आगे चलकर नहीं हो सकते। कुछ खास पहलू हैं जो बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। वो कौन से हैं और क्या वो हमारे नियंत्रण में है? हाँ बिल्कुल कविता, इसलिए इन 1000 दिनों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। कई ऐसे पहलू हैं जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे कि माँ का गर्भावस्था के समय का आहार, शिशु का स्तनपान करना, शिशु की 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का आहार, शिशु को लाड़ प्यार मिलना, उसके प्रति घर के सदस्यों का व्यवहार, उसके साथ समय व्यतीत करना, ये सब शिशु के मस्तिष्क के विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और कविता, एक बहुत जरूरी बात बताऊं, स्तनपान बच्चे के लिए एक तरह की न्यूरो एक्सरसाइज है, यानी कि मस्तिष्क की वर्जिश है। जब वर्जिश करते हैं तो सेहत बनती है ना? ठीक वैसे ही जब बच्चे स्तनपान करते हैं तो उनके दिमाग बेहतर विकसित होते हैं। इन सब बातों का हम आसानी से कैसे ध्यान रख सकते हैं, जरा इनको विस्तार से समझाइए ना। हाँ कविता, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए कुछ खास ऐसे जरूरी तत्व हैं जिनकी विशेष आवश्यकता होती है। वो हैं प्रोटीन्स, ग्लूकोज, जिंक, आयरन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन डी वगैरह। इन नामों को सुनकर परेशान मत हो, ये सभी तत्व हमारे खान पान की चीजों में होते हैं। इसलिए माँ का अपने आहार में अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, वसा, तेल, घी सभी शामिल करना बहुत जरूरी है। जिनके घर में अंडा, मांस, मछली खाया जाता है वो उसका सेवन करें और खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें और खट्टे फलों को आहार में शामिल करें। साथ ही में माँ का आराम करना, अच्छी नींद लेना, खुश रहना,
तनाव मुक्त रहना शिशु के मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव डालता है। दूसरी जरूरी बात है, गर्भवती महिला को अपने वजन की नियमित जांच करानी चाहिए, जिससे कि अगर वजन निर्धारित सीमा से कम हो तो उसके लिए उसकी खुराक में जरूरी फेरबदल किया जा सके। अगर माँ का वजन कम होगा तो जन्म के समय शिशु का वजन भी कम होने की आशंका होती है, जिससे कि शिशु के लिए कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं और मस्तिष्क के विकास की गति पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तीसरी जरूरी बात ये है, गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए। अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर की सलाह से गर्भावस्था के चौथे महीने से प्रतिदिन एक गोली लेनी चाहिए, ताकि माँ को खून की कमी या अनीमिया ना हो। और साथ ही फॉलिक एसिड से शिशु के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद मिलती है। ये तो हो गई गर्भावस्था के समय ध्यान रखने की बातें, अब जन्म के बाद क्या करें? जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ के स्तन से लगाकर स्तनपान कराएं। नाल के कटने का इंतजार किए बिना ही शिशु को माँ के स्तन से लगा दें। उसे शुरू का गाढ़ा पीला दूध, जिसे खिस या कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, जरूर दें और शुरू के 6 महीने केवल स्तनपान ही कराएं। इससे उसके मस्तिष्क के विकास के लिए जो जरूरी तत्व चाहिए होते हैं, वो सब उसको संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं। तो क्या 6 महीने होने पर स्तनपान बंद कर दें? नहीं कविता, 6 महीने पूरे होने पर स्तनपान जारी रखें और कोशिश करें कि माँ बच्चे को 2 साल की आयु तक अपना दूध जरूर पिलाएं। 6 महीने पर स्तनपान के साथ साथ शिशु को ऊपरी आहार शुरू करना जरूरी होता है, इसलिए बच्चे को नरम व अच्छी तरह मसला हुआ आहार दें। आहार दिन में 2 या 3 बार दें और 1 बार में 2 से 3 बड़े चम्मच दें। ध्यान रहे कि बच्चे को भी संतुलित आहार देना जरूरी है, जैसे कि गेहूं का आटा, चावल, सूजी दूध में पकाकर दे सकते हैं। इनमें घी, तेल, गुड़ या चीनी भी मिलाकर दे सकते हैं। आहार को थोड़ा गाढ़ा रखें, एकदम तरल पदार्थ ना बनाएं, वरना शिशु का पेट जल्दी भर जाएगा और उसे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ध्यान रहे कविता, इस आहार को कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहते हैं, यानी कि ये स्तनपान को सहारा देने के लिए है, इसलिए स्तनपान वैसे ही और उतनी ही बार कराते रहना है जैसे पहले करा रहे थे। डॉक्टर दीदी, क्या आप बच्चे को पानी दे सकते हैं? हाँ कविता, अब बच्चे को थोड़ा पानी देना भी शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को पानी अच्छे से उबालकर ठंडा करके दें, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। अब एक जरूरी बात बताती हूँ, बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए कुछ खास जरूरी तत्व खाने में होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते, लेकिन जरूरी मात्रा में शरीर में होना आवश्यक है। खास करके आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, इनकी कमी से खास तौर से मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर दीदी, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इनकी कमी होने से बच्चे की बौद्धिक क्षमता कम होने का खतरा रहता है, जिससे आगे चलकर शिक्षा, कार्य शक्ति, याद करने और समझने की क्षमता, एकाग्रता, ध्यान अवधि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते और शिशु की रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। शिशु की आंखें, बोलना, शारीरिक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और साथ में खून की कमी भी हो सकती है और बच्चे कुपोषित भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर सही पोषण ना मिले और इन कमियों को समय से पूरा ना किया गया तो ये बच्चे किशोरावस्था तथा वयस्क होने पर भी मस्तिष्क के सही विकास ना होने के कारण अपने पढ़ाई या व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं
और साथ ही ये बच्चे दुर्बलता और कुपोषण के शिकार रहते हैं। इसलिए ऐसे में पोषित आहार के साथ अलग से सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि पोषण की कमी को जल्दी से पूरा किया जा सके। समझ गई डॉक्टर दीदी, बच्चे को संतुलित आहार देना चाहिए और समय से नियमित वजन और अन्य जांच करनी चाहिए ताकि अगर किसी खास तत्व की कमी का अंदेशा हो तो उसे समय से ठीक किया जा सके। एकदम सही कविता। उसके साथ बच्चों को फोर्टिफाइड फूड्स भी देने चाहिए। ये क्या होता है? यानी कि खाने के ऐसे पदार्थ जिनमें जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व को ऊपर से मिलाया जाता है ताकि वो शरीर में अच्छी मात्रा में पहुंच सके, जैसे कि आटा, तेल, नमक, चावल फोर्टिफाइड के रूप में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और आंगनवाड़ी से मिल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए टेक होम राशन भी उपलब्ध होते हैं जिनमें प्रोटीन्स और अन्य पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। इनको दूध या पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। इसमें घी, तेल, चीनी और गुड़ भी डाल सकते हैं ताकि शिशु को ये खाना पसंद आए। इनका उपयोग घर के खाने के साथ किया जा सकता है। ये तो हो गई पोषण की बात। आप और भी कुछ बता रही थी ना बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए? हाँ कविता, बच्चे के साथ बातें करना, खेलना भी मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे के लिए माँ का प्यार भी बहुत जरूरी है। जब उसे स्तनपान कराएं, तो उसकी आंखों में देखें, उसको दुलार दें। परिवार के सभी सदस्यों को बच्चे से बातें करनी चाहिए, उसको सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, उसको नाम से बुलाना चाहिए, उसको देखकर मुस्कुराना चाहिए, उसे हंसाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको तरह तरह की अनुकूल आवाज, गाना या संगीत सुनाना चाहिए, तरह तरह के रंग, ध्वनि वाले खिलौने। इन सब से बच्चे के मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है। बच्चा जितना सकारात्मक सुनता है, देखता और महसूस करता है, उतना बेहतर मस्तिष्क का विकास होता है। डॉक्टर दीदी, ये मजेदार बात बताई आपने, मैं सबको ये बात बताऊंगी। कविता, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा बीमार ना पड़े, वो स्वस्थ रहना चाहिए, जिसके लिए टीकाकरण कराना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा कविता। समय से टीकाकरण कराएं ताकि कई जानलेवा बीमारियों से बच्चे की रक्षा हो। साथ ही साथ बच्चे के वजन और लंबाई को नियमित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चेक कराएं ताकि ये पता चल सके कि उसका विकास सही दर से हो रहा है या नहीं। और जब भी बच्चा बीमार हो तब उसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दस्त होने पर ORS दें और जिंक की बूंदें डॉक्टर की सलाह से जरूर दें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चे को छूने से पहले डिटॉल साबुन और पानी से सही तरीके से हाथ धोएं ताकि उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चे ज्यादा बीमार हो जाएं तो उनके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। समझ आ गया डॉक्टर दीदी। गर्भावस्था से लेकर जन्म के 2 वर्ष की आयु तक यानी कि 1000 दिन शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आपकी बताई बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बच्चों की बुद्धिमत्ता ज्यादा होगी और वो ज्यादा खुश और स्वस्थ रहेंगे।